नमस्कार दोस्तों, मैं वेद पंडित नीतीश कुमार अपने YouTube चैनल वाई के प्राप्त चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भांग का नशा दूर करने के लिए एक 40 सेकंड की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में हम आपको द्रोण पुष्पी के बारे में बताएंगे। हाँ दोस्तों, द्रोण पुष्पी को आम भाषा में गुम्मा, दोना आदि अनेक नामों से इसे जानते हैं। गांव में सभी लोग इसे गुम्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसमें गुंबद के आकार के ये गोल गोल लट्टू टाइप के जो इसमें ये फूल होते हैं, इनमें फूलों में अंदर सफेद कलर की पंखुड़ी होती है, सफेद कलर के पुष्प होते हैं। तो दोस्तों, इसके मैं दो आपको ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा जिन्हें आप प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको जो बुखार किसी भी दवा से नहीं जाता है, यानी बुखार बहुत पुराना हो जाता है जिसे जीर्ण जर बोलते हैं, या जो मंद जर जो शरीर के अंदर रम जाता है और नहीं निकलता है, उसके लिए मैं आपको एक ऐसा सफल सिद्ध प्रयोग बताऊंगा। तो दोस्तों, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको इस गुम्मा के द्रोण पुष्पी के 20-25 फूल जो सफेद कलर के इसमें होते हैं अंदर, ये 20-25 आपको फूल लेने हैं और इन फूलों को 200 ग्राम पानी में उबालना है। जब 50 ग्राम पानी शेष रह जाए तो उसे उतार कर ठंडा करके सुबह शाम पीने से पुराना बुखार, जीर्ण ज्वर दूर हो जाता है। दोस्तों, किसी के कोई दांत खाज, खुजली या एलर्जी से संबंधित परेशानी है, उनके लिए गुम्मा के पत्तों का रस लगाने से बहुत ही चमत्कारी रूप से लाभ होता है, और साथ साथ एक एक चम्मच रस सुबह शाम पीने से सभी प्रकार के चर्म रोग, एलर्जी वगैरह ये सब दूर हो जाती हैं। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, तो इसे आप प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।